यार मैं आपको क्या समझाया उस दिन। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। और कलर चल रहा था आपके साथ है ना? यस सर। हाँ आप कुछ सर, लापोटे रूल के बारे में बात कर रहे थे। हाँ बेटे हाँ ये स्टार्ट करें बच्चों। फिर तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में मतलब भाई ये देखा था कि मोस्टली अगर डीजी ट्रांजिशन आता है तो कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा। और भाई इसका रीजन पढ़ा था हमने, ठीक है। लेकिन फिर हमने बात करी कि भाई कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जहां पर भाई मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डीजी ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन तब भी वो भाई कलर्ड नहीं है, कलरलेस है। या फिर मतलब देखिए भाई देखिए हमने इसकी बात करी थी कि Fe(F6) 3- दिस इज कलरलेस, भाई जबकि यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन था, डी ट्रांजिशन वाज पॉसिबल। अच्छा, इसके अलावा भाई हमने ये भी कहा था कि MnH2O होल 6+2, इसके पास भी आर्गन 3D5 है एंड वेरी लाइट पिंक सोल्यूशन, और मोस्टली नेकेड आई देखेंगे तो कलर ऑलमोस्ट कलरलेस ही दिखता है, ठीक है, ये बात देखिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए भाई ये मैंने शायद बताया हो, नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ भाई, अगर हम इसको देखें तो इसका पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, मतलब पिंक इज वी से लो इंटेंसिटी कलर। और अगर इसमें हम कॉन्क एच सी एल डालते हैं तो वी गेट CO(Cl4-2) जो कि ब्लू होता है, एंड वी से इट इज हाई इंटेंसिटी कलर। तो अब देखिए सेम कटायन है बट ज्योमेट्री के चेंज से भी कुछ फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और भाई इवन हम Mn वाला देखें तो MnH2O(Hol6+2), इसमें अगर HBr डाला जाए तो MnBr(4-2) आता है और ये ग्रीन आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कलर चेंज मतलब ज्योमेट्री के चेंज के साथ भी कुछ कलर चेंज एसोसिएटेड है, ठीक है। तो पहले ये लिख दीजिए, फिर मैं क्या है लापोटे रूल वो बात करता हूँ। तो सर कलर जो है एकदम रैंडम प्रोसेस है ना, लाइक रैंडमली होता है ना ये। भाई एकदम रैंडम नहीं है, कुछ उसमें मतलब थे चीजें जो हमने लास्ट डिस्कस करनी थी, बाकी सो एकदम रैंडम। कलर व्हील वाला कंसेप्ट ना सर। हाँ बेटा, कलर व्हील वाला कंसेप्ट जो लास्ट क्लास पढ़ा था है ना। यस सर, यस सर, भाई हटा दो इसे बच्चों। यस यस सर। ठीक है, अब देखिए भाई बात करते हैं। लापोर्टेस रूल, लापोर्टे लापोर्टे जो भी कहना है भाई। और हेलो वैसे देखिए जेई सिलेबस में से बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। और इसमें आता है ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, और ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल में भाई
ट्रांजिशंस वी से जिनमें डेल्टा एल प्लस माइनस वन होता है, मतलब ये तो प्लस वन या माइनस वन, वी से दे आर लापोर्टे अलाउड ट्रांजिशन एंड ऐसा जब होता है देन वी गेट जनरली हाई इंटेंसिटी कलर. जबकि अगर भाई ट्रांजिशंस जिनमें डेल्टा एल प्लस माइनस वन नहीं है, भाई दे आर लापोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस और भाई इनमें वी गेट या तो नो कलर और कलर ऑफ लो इंटेंसिटी. तो यहां से हम कहते हैं कि भाई मतलब जो डीडी ट्रांजिशन होगा जनरली, अच्छा पहले मैं पूरा रूल बताता हूँ कि हमने ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल की बात करी, ऐसे ही इसमें एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल. और स्पिन सिलेक्शन रूल में डेल्टा एस जिसके लिए जीरो है, मतलब ट्रांजिशंस हैविंग डेल्टा एल जीरो, मतलब ये होते हैं भाई अलाउड ट्रांजिशन. और जहाँ पे डेल्टा एस जीरो नहीं है भाई दे आर फॉरबिडन ट्रांजिशन. तो अब देखिए जैसे एम एन एफ सिक्स, ये एम एन एच टू ओ सिक्स प्लस टू था, या एफ ई एफ सिक्स टू थ्री माइनस था, जैसे ये वाला केस था. तो यहाँ पे ये स्पिन सेम स्पिन से तो जा नहीं सकता है भाई, और स्पिन चेंज होगा, स्पिन चेंज होगा तो डेल्टा एस क्या हो गया भाई नॉन जीरो, तो ये क्या हो गया फॉरबिडन ट्रांजिशन. इसीलिए हम ये कह रहे हैं ये कलरलेस हो गया. तो अब देखिए पहले ये लिखिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. नोटेड सर. सर एक बार FeF6 वाला पॉइंट वापस बताएंगे क्या, मैं समझा नहीं बेटे. मतलब उसमें स्पिन फॉरबिडन है, मैं बात करता हूँ उसके भी पहले. बच्चों यस यस. अच्छा अब एक काम करिए, एक थ्योरी पॉइंट लिखिए. मतलब सिंपल ये चीज को मैं वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ, एक बार लिखना बनता है. तो थ्योरी पॉइंट लिख दीजिए कि भाई ट्रांजिशंस इन विच डेल्टा एल इज प्लस माइनस वन, ट्रांजिशंस इन विच डेल्टा एल इज प्लस माइनस वन आर लापोर्टे अलाउड ट्रांजिशन, आर लापोर्टे अलाउड ट्रांजिशन लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड, लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड और कलर ऑफ, और कलर ऑफ हाई इंटेंसिटी, और कलर ऑफ हाई इंटेंसिटी. ठीक है. अब देखिए भाई हम डीजी ट्रांजिशन की तरफ आते हैं. तो डीजी ट्रांजिशन में देखिए क्या होता है, मतलब देर इज एक्चुअली ऑर्बिटल मिक्सिंग. तो वो तो फैक्चुअली आपके लिए, बट समझिएगा थोड़ा बहुत कि भाई सेंट्रो सिमेट्रिक सिस्टम जो होते हैं, सेंट्रो सिमेट्रिक सिमेट्रिक मतलब हैविंग भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भाई ऐसे सिस्टम में वी गेट भाई मतलब देखिए हम कहते हैं कि भाई अगर एक काम करिए, लापोटर रूल लिख लिया ना. हाँ सर. यस. अच्छा उसमें लिखिए एक और चीज भाई रिलैक्सेशन इन लापोटेज रूल, रिलैक्सेशन इन लापोटेज रूल. और उसमें लिखिए कि भाई इन सेंट्रोसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक सिस्टम, इन सेंट्रो एसिमेट्रिक सिस्टम
देर इज सम मिक्सिंग ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स, देर इज सम मिक्सिंग ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स which makes the which makes delta L for transition non-zero, for transition which makes delta L for transition non-zero, making it allowed transition. तो देखिए मैंने क्या लिखवाया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंट्रोसिमेट्रिक सिस्टम जो है इसमें वी से नो पीडी मिक्सिंग एंड हेंस डेल्टा एल इज जीरो फॉर पीडी ट्रांजिशन इन सच केसेस एंड दैट इज व्हाई वी गेट लो इंटेंसिटी कलर और नो कलर इन सच केसेस. जबकि भाई जैसे चलिए मैं एग्जांपल दूंगा, जबकि सेंट्रो एसिमेट्रिक अगर सिस्टम है भाई तो वहां पर भाई पीडी मिक्सिंग टेक्स प्लेस. अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये आपको भी मतलब नहीं है. पीडी मिक्सिंग टेक्स प्लेस एंड भाई ऐसे में डीडी ट्रांजिशन जो होगा इट इज भाई मतलब लाइक भाई फॉर मतलब ऐसे यहाँ पे डेल्टा एल इज नॉट प्योरली जीरो क्योंकि पीडी मिक्सिंग हो गई और ऐसे में क्या होगा भाई अलाउड ट्रांजिशन एंड वी गेट कलर ऑफ हाई इंटेंसिटी. अब देखिए भाई जैसे कि अगर हम देखें मतलब ये सेंट्रोसिमेट्रिक क्या होंगे भाई मोस्टली ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है. ठीक है तो मोस्टली ऑक्टाहेड्रल और एसिमेट्रिक क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा लेकिन टेट्राहेड्रल वगैरह एसिमेट्रिक है. तो अब देखिए जैसे हम ये कहते हैं कि CO H2O होल 6 +2 में कॉन्क HCl डाला तो यहाँ पे COCl4 -2 है तो ये क्या है भाई नियरली सिमेट्रिक है, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है और जबकि ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, सेंट्रो एसिमेट्रिक सिस्टम है. तो इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ब्लू कलर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है लो इंटेंसिटी पिंक कलर आ रहा है. तो देखिए डीडी ट्रांजिशन लापोटे से अलाउड नहीं है बट कुछ केसेस में जो कलर आता है उसके लिए हम कहते हैं या तो सेंट्रो सिमेट्रिक नहीं होंगे या फिर एक और थ्योरी बोलते हैं वो मैं आपको लिख पाऊंगा. सर एक बार बताएंगे डीडी ट्रांजिशन डेल्टा एल जीरो कैसा आता है और क्यों होता है? फिर डी और डी मतलब दोनों का एल क्या होगा, टू होगा. तो एल वन और टू के बीच में हो गया तो डेल्टा एल क्या होगा मतलब पूरी तरह जीरो नहीं रहा ऐसा बोल रहे. ओके सर. आंसर यस सर. पूछो कर लिया हमने तो हाँ सर ये लिख दीजिए रिलैक्सेशन इन डीडी ट्रांजिशन, रिलैक्सेशन इन डीडी ट्रांजिशन और उसमें लिखिए कि भाई व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, व्हेन लाइट इज incident on a complex then electronic transition as well as vibration takes place, then electronic transition as well as vibration takes place simultaneously, electronic transition and vibration takes place simultaneously and ligands जब देखिए ligand अगर vibrate करेगा distance बढ़ेगी तो center of symmetry disturb होगा.
when ligand vibrates in such a way, then center of symmetry is temporarily destroyed. And there is very small mixing of p and d orbitals. And hence dg transition are not purely forbidden, are not purely forbidden in such cases. And hence octahedral complex shows low intensity color in such cases. तो देखिए, हमने ये कहा कि जहां पे कलर आ रहा है वो इस तरह के रिलैक्सेशन की वजह से आ रहा है, नहीं तो कलर बीडीडी ट्रांजिशन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फिर भी पॉसिबल है, मतलब कि पीडी मिक्सिंग हो जाएगी, बट ऑक्टाहेड्रल में तो नहीं आना चाहिए था. तो मेरे को डाउट था सर. हाँ बेटे. तो पीडी मिक्सिंग में डेल्टा एल इक्वल टू जीरो एंड डीडी ट्रांजिशन में डेल्टा एल नॉट इक्वल टू जीरो, सर ये नहीं समझा भाई. मैंने ये कहा कि डीडी ट्रांजिशन में दोनों का एल टू है तो डेल्टा एल जीरो हो गया, और अगर किसी एक में पीडी मिक्सिंग हो गई है तो उसमें क्या हो गया भाई, एल जो होगा टू से कम हो गया तो डेल्टा एल जीरो नहीं रहा, ऐसा बोल रहा हूँ. और देखिए एफईएफ 6-3 वाला एक केस बच्चे ने जो पूछा था. ओके बेटे, तो ये भी बताता हूँ बच्चे. देखो ये तीन और ये दो ऐसे है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर आएगा तो भाई इसके लिए डेल्टा एस जो होगा वो जीरो नहीं होगा, बस मेरे क्योंकि सेम स्पिन से नहीं आ सकता. और डेल्टा एस अगर जीरो नहीं होगा तो हम ये कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया. दिस इज स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, और इसीलिए भाई ये कॉम्प्लेक्स जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, कलरलेस आ रहा है. तो अब देखिए भाई क्या मतलब वर्डिक्ट है, फाइनल फाइनल वर्डिक्ट ये है कि भाई डीडी ट्रांजिशन अगर एक अच्छा इसमें देखिए कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं है, बिल्कुल रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है. तो अगर एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में होता है तो लो इंटेंसिटी कलर और नो कलर ये आएगा. अगर डी ट्रांजिशन भाई टेट्राहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और सिर्फ डिस्टॉर्टेड, हम जेंडरल डिस्टॉर्शन की बात नहीं कर रहे, हम ऐसी बात कर रहे हैं कि मान लीजिए MA4BC है तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हो ही नहीं सकता, चार ए अलग होंगे, बीसी का लेंथ अलग होगा. तो ऐसे केसेस में भाई जनरली कलर ऑफ हायर सॉरी इंटेंसिटी आएगा. तो देखिए ये हमने करा डीडी ट्रांजिशन. अब इसके आगे हम दूसरे रीजंस की तरफ जाएंगे, ये कॉपी कर लीजिए जल्दी से.
सर एक बार डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट समझाएंगे क्या? ये स्पिन सेम है तो अगर ये इधर जाएगा सेम स्पिन से नहीं जा सकता, ऐसा बोल रहे। अच्छा ओके, तो स्पिन चेंज हो जाएगा तो फिर डेल्टा है। ओके सर, स्पिन चेंज होना चाहिए, मतलब ये ऑपोजिट स्पिन का। कॉपी करिए और जल्दी से बताइए बच्चों। यस यस ठीक है। अब देखिए भाई, जो अब आगे और कलर का रीजन है वो है चार्ज ट्रांसफर, और चार्ज ट्रांसफर भाई स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर सिंपली तीन तरह के केसेस आते हैं। पहले लिख दीजिए LMCT, MLCT और MMCT। ये क्या है ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा अभी। बच्चों यस ठीक है, तो देखिए चार्ज ट्रांसफर में पहले एक नोट लिखवाऊंगा कि अगर कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में किसी कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, तो अगर उसके लिए विजिबल का कंपोनेंट ड्रॉप हुआ तो कलर आएगा, और ऐसे में हम कहेंगे कलर इज देयर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज और चार्ज ट्रांसफर। तो लिख दीजिए कि भाई कलर ओरिजिनेट्स बाय चार्ज ट्रांसफर व्हेन, कलर ओरिजिनेट्स बाय चार्ज ट्रांसफर व्हेन when electronic transition occurs from one part of complex to another, when electronic transition occurs when electronic transition occurs from one part of complex to another part to another part while absorbing a component from visible region और अब देखिए भाई, पहले मैं एक दो केसेस बताऊंगा फिर सारे लिखूंगा। तो ligand to metal charge transfer, पहला charge transfer देख रहे हैं, और भाई अगर हम MnO4- को देखें CFT point of view से, तो हम कहते हैं ये Mn+7 होगा, O-2 और O-2 इसके आसपास tetrahedrally, मतलब ये arranged होंगे bearing it, ये कुछ इस तरह से tetrahedron। और देखिए हम कहते हैं कि O-2 के टू पीस है, बट देखिए वही है कि मतलब अगर आपको याद हो कलर ड्यू टू पोलराइजेशन बताया था, कलर ड्यू टू पोलराइजेशन में क्या होता था कि अगर एनायन बहुत ज्यादा पोलराइज हो रहा हो तो एनायन से कैटायन की तरफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है, उसके लिए क्या होगा विजिबल का कंपोनेंट अब्सॉर्ब होगा और उसकी वजह से वहां पर कलर आ जाएगा मतलब। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ माइनस टू के टू पी से भाई Mn+7 के 3D में हम कह रहे हैं चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, और डेल्टा एल देखिए यहाँ पर क्या है भाई प्लस वन है, सॉरी डेल्टा एल प्लस वन है, तो इसका मतलब ये क्या है लापोर्टे अलाउड भाई ट्रांजिशन है, और लापोर्टे अलाउड ट्रांजिशन है इसीलिए भाई हमें क्या मिलता है कलर ऑफ हाई इंटेंसिटी गेटिंग इट भाई। अब देखिए मतलब ऐसे और भी केसेस हैं, ठीक है मैं बताऊंगा। जैसे क्रोमेट है, क्रोमेट को अगर हम देखें तो अगेन O-2 के 2p से भाई क्रोमियम +6 के 3d में चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, और भाई ये भी क्या है मतलब ये भी कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, कहाँ से लाइगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर भाई, दिस इज आल्सो कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। मैंने और केस भी देने हैं भाई, अभी तो दो ही दिए, तो ये पहले कर लीजिए कॉपी। और सर आपने चार्ज ट्रांसफर होने का रीजन क्या बोला?
भाई मतलब एनायन जो होगा वो कैटायन से डिस्टॉर्ट हो रहा होगा, या तो ऐसे समझ सकते हैं, या कैटायन पर बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ जा रहे होंगे, मतलब बात एक ही है लगभग। ये ओके सर, सर आप MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर एक बार और बता सकते हैं? बेटा मतलब क्या इसमें मैंने बना रखा है, आप क्या जानना चाहते हैं? सर वो जो नीचे वाले तीन हो उनके बीच की बॉन्डिंग कैसे है? बेटा हमने हम कलर जो देख रहे हैं वो सीएफटी के बेसिस पे देख रहे हैं। सीएफटी में क्या होता है, हम आयनिक मानते हैं, तो इसीलिए मैंने आयंस के फॉर्म में लिया है। वैसे टेट्राहेड्रल होता है, शायद आप जानते ही होंगे, तीन डबल ओके सर, तो आपने बॉन्ड ओके सर गॉट इट, है ना, तो हम सीएफटी के बेसिस पे देख रहे हैं बच्चे, इसलिए हम कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में लिख रहे हैं, समझे आप? यस सर ओके। अच्छा पार्टी, यस है, यस सर। अब देखिए भाई, डाइक्रोमेट हो गया, Cr2O7 माइनस, भाई इवन ये मैं कलर लिख दूंगा Cr3, मतलब भाई इसके अलावा देखिए Na2FeCN5 NO, अगर आपको याद हो इसमें क्या होता था, NO से आयरन पे चार्ज ट्रांसफर होता था, ये रेडिश पाउडर होता था और ये भी ऑरेंज रेड है, ये भी ऑरेंज प्योर सेट में होता है, ऑरेंज रेड बोल सकते हैं। इसका भी रीजन है कुछ, मतलब अभी बात नहीं करूँगा, आगे बात करेंगे, ऑरेंज है कि ऑरेंज रेड है। अच्छा इसके अलावा देखिए भाई, ये इसमें हो रहा है तो मोस्ट ऑफ नाइट्रोसेल्स, क्योंकि नाइट्रोसेल्स में क्या हो रहा होगा भाई, मेटल से लाइगेंड की तरफ चार्ज ट्रांसफर, अगर आपको याद हो FeH2O5NOSO4, ये भाई ब्राउन था, ठीक है, तो ये भी चार्ज ट्रांसफर के केस है। ऐसे देखिए CDS, कैडमियम के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कोई डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो भाई जिंक के कंपाउंड काफी, मतलब जिंक सल्फाइड देखें तो व्हाइट होता है, कैडमियम सल्फाइड देखें तो येलो होता है, तो इसमें भी वही है कि एस के माइनस टू से 3p से भाई कैडमियम प्लस टू के, मतलब डी में, मतलब ABO में जा रहा होगा इस बार, तो चार्ज ट्रांसफर बेसिकली हो रहा होगा। गेटिंग इट, CDS हो गया भाई, HGS हो गया, ब्लैक होता है, Cu2O रेड होता है, अब देखिए कॉपर प्लस वन है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ब्लैक होता है, ये सारे चार्ज ट्रांसफर के केस हैं। Cu3P भाई Ag2O, Ag2S, Ag3P, और जो मैं कलर्स देख रहा हूँ यार वो धीरे धीरे याद होने चाहिए, अब ब्लैक भाई ये ब्राउनिश होता है, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, इवन Bi2S3, BiI3, BiOi, ये डार्क ब्राउन होता है, ये ब्लैक होता है, ये ऑरेंज होता है, ये अभी और भी लिखाऊंगा, ये सारे चार्ज ट्रांसफर के कैसे हैं। सर मोस्ट नाइट्रोसेल्स के कलर ब्राउन होता है? बेटा नहीं, मैंने लिखा ही नहीं इसके आगे। ओके सर, कैसे कैसे पता नहीं है। तो सर इनमें चार्ज ट्रांसफर, अपने कंपाउंड लोकेशन में चार्ज ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है एक बार बताएंगे? लाइगेंड से मेटल, बेटा क्या लिखा है उधर, लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, लाइगेंड से मेटल की तरफ हो रहा है बेटे, कई बार CDS पे सल्फर को बेटा सल्फाइड से कैडमियम की तरफ हो रहा है। ओके सर, ओके सर। बच्चों कर लिए क्या? यस। हम देखिए हैं, लिख दीजिए, मैं फिर कलर एक साथ लिख देता हूँ।
V25 तो ये भी रेडिश होता है, येलोइश नहीं, येलोइश येलोइश स्कारलेट रेड और ब्राउन ये लिखिए कलर्स FeCl3 FeBr3 जानबूझ के छोड़ा है और इसलिए छोड़ा है बच्चों डन सर डन सर छोड़ा दो यस अब देखिए इस पे एक अच्छे दो सवाल बनते हैं VO4-3 CrO4-2 और MnO4-. ये पर्पल होता है, ये येलो होता है और ये कलरलेस होता है, ऐसा क्यों? ये जस्टिफाई करना है. चलिए पहले बताइए फिर देखते हैं. करिए एक मिनट में आता हूँ. Yes, कोई बता रहा है? Particles? Yes, sir. बता रहे हो बच्चों? देखिए भाई क्या कहते हैं, कोई नहीं बता रहा तो मैं बताऊंगा फिर. No one? देखिए इनमें किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब रीजन तो यही हो सकता है 2p से 3d. ठीक है, अब एक बार देखिए यहाँ पे वेनेडियम +5 है और यहाँ पर Mn +7 है भाई. Z इफेक्टिव
अगर ज्यादा होगा तो साइज कम होता है, इसमें कोई आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, साइज कम होगा तो एनर्जी जो ऑर्बिटल भी क्या होगा क्लोजर होगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा कम होगा, गेटिंग इट? तो अब देखिए भाई एनर्जी गैप ऑफ अगर हम ओ माइनस टू टू पी से एम प्लस एक्स थ्री डी की बात करें तो वेनेडियम प्लस फाइव क्रोमियम प्लस सिक्स और एम एन प्लस सेवन ये क्या होगा, ये इस तरह से होगा, बस समझ लो। तो अब देखिए मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एनर्जी गैप बिटवीन टू पी एंड थ्री डी लाइज इन विजिबल रेंज और इसीलिए उसके लिए विजिबल का कंपोनेंट एब्जॉर्ब होगा और ये कलर हो जाएगा। बट यहाँ पर एनर्जी गैप बिटवीन 2p एंड 3d इज टू हाई फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ विजिबल रीजन और इसीलिए भाई वैनिडेट जो होता है वी ओ फोर थ्री माइनस को वैनिडेट भी बोलते हैं, तो वैनिडेट जो होता है कलरलेस होता है भाई जबकि ये दोनों कलर्ड होते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन बताया, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनता है इस पे, के एन ओ फोर जो होता है पर्पल होता है और के आर ई ओ फोर जो होता है रेनेट वो कलरलेस होता है, नाउ ऐसा क्यों ये बताइए। सर क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास आ रहा है इसलिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज हो। ओके सर। इसकी एनर्जी 3D की कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, ऐसे बोलो। क्या कहते बच्चों, ये वाला कॉपी कर लिया? एक सेकंड। हाँ सर। अब इसका क्या कहते हैं, आर ई ओ फोर माइनस का क्या कहते हैं? ये तो काफी आसान है। सर 4D की 4D का एनर्जी इज मच हायर देन 3D, तो फिर उसमें ये क्या कहते हैं, इट्स टू हाई फॉर विजिबल रीजन। भाई आपका नाम बताओ, एक छोटी सी गलती करी आपने इसलिए पूछ रहा हूँ। हरी हरी 3D 4D नहीं आएगा, 5D आएगा बच्चे, सॉरी सर, है ना। बाकी तुमने बढ़िया कह रही, वेरी गुड। देखिए साहब MnO4- में अगर हम देखें O माइनस टू पर 2p है तो ये क्या है, मतलब ये इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल जैसा होगा और Mn प्लस सेवन का 3D है, ये इसमें ल्यूमो होगा और भाई मतलब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लाइगेंड टू मेटल। अब अगर हम इसमें आए तो इसमें क्या होगा, ओ माइनस टू का टू पी जो होगा भाई ये होमो है, ये तो सही बात है, ये भाई आर ई प्लस सेवन के 5D मतलब में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ये भाई यहाँ पे ड्यूमो है और एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा, विजिबल का कंपोनेंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, तो मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप इज टू हाई टू रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी component from visible region, समझ रहे हो? तो ये रीजन था, कर लीजिए।
और ऐसे देखिए, वैसे मैंने बता दिया था ये जी आई सी में ए जी बी आर ए जी आई, तो ये क्या होता है, वाइट होता है, ये क्या होता है, पेल येलो होता है। तो सिंपली अगर आयनिक कंपाउंड में देखें तो जितना ज़्यादा एन आयन पोलराइज होगा भाई उतना ज़्यादा मतलब कलर का इंटेंसिटी होगा मोस्टली। सर 2P2 4D में कलर आएगा? 2P2 4D में डिपेंड करता है यार, मुझे रिजल्ट याद नहीं है सर, तो मैंने पंगे नहीं लिए मतलब, क्योंकि ऐसे अपने आप थियोरेटिकली सवाल नहीं बना सकते आप, डेटा होना चाहिए। तो यस ओके भाई लोगों, सर लास्ट वाले के लिए आपने क्या बोला, वो जितना ज्यादा एनायन पोलराइज होगा कैटायन की तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा, कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा कलर इंटेंसिटी, ओके थैंक यू। डार्कनेस, यस यस सर। एक बार ई गैप वाला पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे क्या? अच्छा एक मिनट, जो भाई 4D वाला बच्चा कौन था, नाम क्या था आपका बेटा? हरी आशुतोष। हरी, अच्छा हरी आशुतोष जो भी था बेटा, इसमें भी कलरलेस होता है, मैंने रिजल्ट देख लिया। तो मैं एक नोट भी लिखवा दूंगा ये कि भाई ये कलरलेस है, और एक नोट लिखवाता हूँ कि 4D और 5D में कलरलेस आते हैं। एक डाउट है सर, अभी तक आपने जो दो क्वेश्चंस किए सर, उसमें आपने प्रिडिक्ट कैसे किया कि लाइक कहां से कहां ट्रांसफर होगा? भाई देखना, ऑक्साइड है, जब भी ऑक्सो एनायन है तो O-2 के 2P से होगा, ठीक है बच्चे? और मेटल के फिर डिपेंड करता है कि 3D का है कि 4D का है कि 5D का है। तो मतलब सब अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जो भी होगा उसमें जाएगा, ये होगा उसका, हां हां ये होगा ना, हां वो ओके सर। बच्चों लिख चुके क्या सर, एक ई गैप वाला पॉइंट समझाएंगे क्या आप, वो ई गैप से कैसे हो रहा है? बड़ी बहुत ज्यादा हो गया तो विजिबल में लाइन ही कर रहा तो कलरलेस हो गया, बट विजिबल का कंपोनेंट अब्सॉर्ब नहीं होगा, अब्सॉर्ब होगा तो अल्ट्रा वायलेट होगा, हाई एनर्जी का होगा। ओके सर, ओके सर, है ना। तो इस पे एक नोट लिख दीजिएगा बच्चों, लिखिए कि भाई टेट्रा ऑक्सो एनायन ऑफ 3D सीरीज Tetraoxo 9s of 3D series are mostly colored, whereas those of 4D and 5D series are colorless. And that is because tumhara of higher energy gap between homo and limo, homo and limo, ठीक है particles। देखिए मैंने एक और लिख दिया, PbF2 white होता है, PbCl2 white होता है, PbI2 लेकिन yellow होता है, वही anion polarization ज़्यादा हो रहा है ऐसा कर। बच्चों ऐसे नीचे एक लाइन ही लिखनी थी बच्चों। अब देखिए
color due to MLCT, मतलब metal to ligand charge transfer. और ये भी बताइए कि ऐसा कहाँ होता था, कुछ अपने आप बता सकते हैं? तो जो synergic bonding होती थी. Very good. क्या नाम आपका बेटा? फिर अनवय. अनवय, बहुत बढ़िया आंसर दिया अनवय तुमने, शाबाश. हाँ बेटे देखिए, पहले नोट लिखेंगे. ये बच्चे ने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि मैं थोड़ा अनवय की बात को और थोड़ा बेटर कर देता हूँ, कन्वे अच्छा करता हूँ अनवय को. तो मतलब इट इज बेसिकली कि जब भी पाई एसिड लाइगेंड है, गेटिंग इट, तो पाई एसिड लाइगेंड कहाँ पे होता है वो मैं बात मतलब एक बार ऐसे बताया हुआ है, लिख लीजिए लेकिन थ्योरी पॉइंट. तो अनवय कौन से बैच का है तू बेटे? वही. अच्छा पास कही है तू मेरे. तो लिखिए साहब, कलर ड्यू टू एमएलसीटी अराइजेस. देखिए, कलर ड्यू टू एमएलसीटी अराइजेस अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, अंडर फॉलोइंग कंडीशंस. पहला, मेटल हैज लो ऑक्सीडेशन स्टेट. पहला, मेटल हैज लो ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट, डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आर फिल्ड. डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आर फिल्ड. नेक्स्ट, directly attached atom of ligand has the vacant orbital or pi ABMO available or pi ABMO available. ठीक है. और देखिए तो ये कुछ केसेस हैं, मतलब बाकी कार्बनल्स आएंगे. मोस्ट ऑफ कार्बनल्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये लिख दीजिए, ये MLCT वाले के. सर इनका स्पेसिफिक कलर हमको याद नहीं रखना है ना? नहीं यार, याद रखने की जरूरत नहीं है. साथियों और हाथियों, सर आपने मोस्ट ऑफ कार्बोनेट लिखा है ना? यस बेटा. ओके थैंक यू सर. वेलकम यार. यस बेटे, क्या कह रहे हैं आप? क्या डन सर? ठीक है भाई, अब देखिए ये हो गया. आज भी हमें लास्ट है भाई. कलर ड्यू टू MMCT और बेसिकली मेटल टू मेटल
चार्ज ट्रांसफर तो इसमें मतलब एक इंटरनल रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, जैसे मतलब देखिए भाई PB3O4 होता है बेटे, मिक्स ऑक्साइड होती है 2PbO डॉट PbO2 रेड कलर का होता है। तो हम कहते हैं देखिए इसमें Pb+2 भी है +4 भी है, हम कहते हैं कि यहाँ पे मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, +4 से कभी +2 बन रहा होगा, मतलब रेशियो सेम रहेगी बट ये चार्ज ट्रांसफर इस तरह से हो रहा होगा भाई मेटल टू मेटल, इस वजह से कलर आ रहा होगा। इनफैक्ट Pb2O3 भी रेड का ही शेड होता है, इसमें भी सेम रीजन है भाई। ऐसे ही मतलब भाई NH3O5 ये पायराजीन लाइगेंड है भाई, Ru +5 इसे बोलते हैं, क्रिएट्स टॉप एनायन। और इसमें एक +2 और एक +3 होता है, इस वजह से भाई अगेन मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का कलर है। इसके अलावा प्रशियंस ब्लू, अब आपको प्रशियंस ब्लू अभी पता नहीं होगा तो मैं एक काम करूँगा भाई, मैं पहले लिखवा देता हूँ फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे ये क्या है और इनमें कैसे कलर है मेटल मेटल चार्ज का। भाई लोग यस एक सेकंड सर, यस सर सर व्हाट इज द कलर ऑफ दैट कंपाउंड? आई डोंट रिमेंबर बेटे, मतलब बट कलर ड्यू टू एमिसिटी है। ओके सर, ये नाम से गूगल कर लीजिए, बता दीजिए सर, याद रखने की जरूरत नहीं है। रेडिश होता था क्या? ओके सर, प्रशियन ब्लू और टर्नबल ब्लू क्या होता है बताता हूँ। क्या कलर है भाई, मतलब कोई बता रहा है? क्रिएट स्टॉप एनायन देखिए, अगर फेरिक सॉल्ट लिया जाए और K4FeCN6 मतलब फेरो साइनाइड फेरो कॉम्प्लेक्स, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है KFeFeCN6 आता है, यहाँ पे ये +3 है, ये +2 है और इसको बोलते हैं प्रशियंस ब्लू, ठीक है। और एक मिनट जानता, मैं एक मिनट वॉशरूम से आ रहा हूँ। सर आपने आईसी सॉल्ट लिखा है ना सर? हाँ भाई, चलिए तो देखिए भाई, फेरिक सॉल्ट में अगर फेरो कॉम्प्लेक्स डाला तो प्रशियन ब्लू। अच्छा अब देखिए FeSO4 मतलब असॉल्ट है और K3FeCN6 ले यहाँ पे आना था, तो अब देखिए मतलब भाई CN6 तो ये क्या है फेरी साइनाइड, मतलब
फेरी साइनाइड. तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, यहाँ पे भी KFE FE CN6, बट इस बार प्लस टू बाहर और प्लस थ्री बाहर, इसको बोलते हैं टर्नबल्स ब्लू. अब मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा, मतलब देखिए बच्चों को बताता हूँ कि मेरे जेई प्रिपरेशन के टाइम पर इन दोनों को अलग माना जाता था, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी शोज दैट बोथ आर सेम. तो बोथ आर सेम हम कहते हैं दोनों में भी प्लस टू प्लस थ्री में आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा होगा और इसीलिए दोनों का कंपोजिशन सेम है. और कलर जो है वो किसकी वजह से, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से. तो ये एक काम करिए, पहले थ्योरी पॉइंट लिखिए कि भाई रीसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी शोज दैट प्रशियन ब्लू एंड टर्नबल ब्लू, दैट प्रशियंस ब्लू एंड टर्नबल्स ब्लू आर ऑफ सेम कंपोजिशन, which is possible only due to charge transfer between metal ions. ठीक है, अच्छा कॉपी कर दो जल्दी से. डने. अच्छा देखो एक चीज और बताता हूँ, FeSO4 और K4FeCN6, मतलब अब क्या लिया, दोनों फेरो लिए, कॉम्प्लेक्स भी फेरो सॉल्ट भी फेरो. तो बेटे आता है K2FeFeCN6 और ये दोनों प्लस टू है, वाइट होता है और ये एयर में एरियल ऑक्सीडेशन अगर रखे, इसे ओपन रखा जाए तो एयर से O2 और H2 लेकर K FeCN6 बनाता है भाई प्लस थ्री प्लस टू, मतलब प्रशियन ब्लू. तो पहले देखो भाई अगर आप देखिए, मैं टेबल बनाऊंगा अभी, ध्यान सुनिएगा. फेरी फेरो प्रशियन ब्लू, मतलब सॉल्ट फेरी कॉम्प्लेक्स फेरो, फेरो फेरी सॉल्ट फेरो कॉम्प्लेक्स फेरी टर्मल ब्लू, दोनों सेम. फेरो फेरो दोनों फेरो है, ये सॉल्ट क्या है, असॉल्ट है भाई, और ये फेरो कॉम्प्लेक्स है. तो फेरो फेरो में क्या रहा है, वाइट आ रहा है. ठीक है, याद रखना होगा कि फेरो फेरो में वाइट है, फेरी फेरो फेरो फेरी दोनों ब्लू है. फेरी फेरी बताता हूँ क्या है. सर K3FeCN6 का नाम क्या लिखा है आपने? K3FeCN6 फेरो फेरी साइनेट है बेटा, वैसे नाम तो अपने आप भी लिख सकते हैं. हाँ ओके. बच्चों के लिए हमने और एक देखिए FeCl3 और K3FeCN6, इसमें आएगा FeCN6 और ये ब्राउन होता है. ठीक है, तो अब देखिए मैं एक टेबल बनाता हूँ जिससे कि आपको याद रह जाए, नेचर ऑफ सॉल्ट,
नेचर ऑफ फेरो और नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ पीपीटी। देखो ये फेरो, ये फेरो, तो वाइट और स्टार इसलिए कि टर्न्स ब्लू इन एयर, है ना, एरियल ऑक्सीडेशन। फेरी फेरो प्रशियन ब्लू, फेरो फेरी टर्नबल ब्लू, और दोनों सेम। और फेरी और फेरी क्या आएगा, ब्राउन। तो ये तो ऐसा होना चाहिए कि रात को 2 बजे उठा के पूछ ले फेरी 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 ब्राउन, फेरो फेरी फेरी फेरो दोनों ब्लू, फेरो फेरो वाइट। भाई लोगों कॉपी कर दीजिए। सो फेरी फेरी वाले में पोटाशियम का कौन सा बाय प्रोडक्ट बनता है? KCl में कमाल का था बच्चे। ओके सर, ठीक है ना। बच्चों जल्दी कलर खत्म है, स्टेबिलिटी करेंगे और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए फ्लैगशिप में भी मैंने आज हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स मतलब कल चालू कर दिया था, एक क्लास उनकी पूरी हाइड्रोजन की हो चुकी है। आंसर बच्चों यस सर, यस यस सर। तो ये टेबल कितनी देर में भूल जाओगे बच्चों? हम्म, सर फॉर श्योर 3 मिनट आई गेस। भूल गए सर? भूल गए ऑलरेडी है। अरे कौन सी टेबल सर? भाई ऐसा मत करो बेटे, फैक्ट नोटबुक बनाने को बोला मैंने आपको, याद है? हाँ सर। उसमें धीरे धीरे ना ये सब चीजें उसमें डाल दो, है ना, तो तब याद रहेंगी आपको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सॉरी। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर है तो मान लीजिए कुछ ऐसे बन रहा है एम एल वाई प्लस एक्स, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको स्टेप में तोड़ लेते हैं, एम एल प्लस एक्स, फिर एम एल प्लस एक्स और एल भाई तुम्हारा एम एल टू प्लस एक्स, ऐसे करते करते भाई मतलब क्या आ जाएगा, एम एल वाई माइनस वन प्लस एक्स प्लस एल गोज टू एम एल वाई और प्लस एक्स, ठीक है। अब इनके सबके के वन के टू के थ्री ऐसे लेंगे और ओवरऑल जो होगा के एफ फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट आ जाएगा भाई के वन के टू एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करते करते, ठीक है। और देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर के एफ ज्यादा होगा मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा। हालांकि कुछ काम का नहीं है, हमने तो फैक्टर देखने हैं और हमने ज्यादातर फैक्टर देखे हुए हैं, बस मैं एक साथ इकट्ठा करके रख दूंगा, ठीक है। बच्चों मेरे साथ साथ या मेरे से पहले सर आपने क्या लिखा, डेल्टा जी लिखा है क्या सर, जी एफ क्या लिखा, डेल्टा जी फॉर्मेशन आंसर। यस सर। ओके बेटे, तो अब देखिए सर आप क्या क्या फैक्टर थे बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी। बच्चों
नाम खराब करोगे सर. ज्योमेट्री एक तो चिलेशन चलिए ठीक है. चिलेशन हमने देखा था कि भाई एक्सटेंट ऑफ चिलेशन अगर ज्यादा होगा तो भाई स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा होगा. बेटे मेरे साथ साथ लिख दीजिएगा प्लीज. देखिए जैसे Cu NH3 होल 4 प्लस 2 Cu En होल ट्वाइस प्लस 2 Cu Tn होल ट्वाइस. Tn मतलब इसमें 6 की रिंग आएगी. ट्राइथाइलिन डायमीन था ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा Cu N2H4 ट्वाइस. इसमें तो 3 मेंबर रिंग आ रही थी बहुत ही पिटा हुआ है. इसमें फिर भी थोड़ा बेटर हुआ है भाई ये मतलब 5 मेंबर आ गई और Cu Tn होल थ्राइस प्लस 2 ये ऐसे आ गए है ना. और मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों अरे हमारा इस बैच का स्टार कौन था मैं भूल गया यार. कौन है भाई हाँ? कोई नहीं रखा हमने इस बैच में कोई स्टार नहीं बनाया. श्रेयांश श्रेयांश था. अच्छा चलो देखते हैं श्रेयांश बात करते हैं. हाँ भाई यस सर. अच्छा अच्छा अरे हाँ मैं भूल गया. हाँ वो मैं कह रहा था ये नाम मैं तो ये भूल गया ना मतलब बेवकूफ हूँ ना मैं. एनीवेज चलिए तो भाई श्रेयांश ऑल इज वेल कैसे हो साथी. यस सर. हाँ बढ़िया सर. यो कैसी दिवाली. बढ़िया हूँ सर. दिवाली कैसी. अच्छा सुबह से कितने टीचरों का दिवाली निकाल चुके हैं सर. अभी तक तो एक ही का. एक ही का किसका निकाला. सर आप ही हो. अरे बाप रे मेरा भी नहीं निकला भाई दिवाला अभी मैं बहुत बाकी हूँ. ओके सर. ओके चलिए किशन नहीं पूछ रहे बेटे मैं तो इसलिए याद कर रहा था आपको. एनीवेज चलिए मजाक कर रहा हूँ. देखिए बेटे लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ. लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो डेल ओ या टी या एस बी जो भी है वो ज्यादा होगा और भाई सी एफ एस सी ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी ऑफ भाई कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा होगा. जैसे कि देखिएगा भाई एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस और भाई हम ले लें एफ ई एफ सिक्स ले लेते हैं. इससे माइनस थ्री कर देता हूँ बेटे फॉर सम रीजन क्योंकि मैं इसका माइनस थ्री लेने वाला हूँ तो यहाँ पे क्या होगा ये स्टेबल होगा. जैसे एन आई सी एन फोर माइनस टू ये होगा एन आई सी एल फोर माइनस टू से. बच्चों देखिए इस पेज की जल्दी कॉपी कर लीजिए. आई होप हो ही गए होंगे अभी तक. सर अगर हम साइनाइड कॉम्प्लेक्स को कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स से कंपेयर करें तो मतलब देखो फिर तुम्हें वैल्यूज पता होनी चाहिए. अगर तुम ज्यादा क्लोज जाओगे डेटा पता होना चाहिए फिर है ना बेटे. ओके सर क्योंकि दोनों स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड ऐसे कुछ. हां वही बिल्कुल दोनों में फिर तुम्हें सीएफएसी दोनों में पता होनी चाहिए तब तुम डिसीजन ले सकते हो. हवा में मतलब ऐसे थ्योरेटिकली नहीं ले पाओगे बेटे. ओके सर. हम डिस्टिंक्ट केसेस ले रहे हैं बच्चे. डन सर. ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ब्रायन. वेरी गुड वेरी गुड. NiCN4 हो गया. COCN6 माइनस 3 CONH3 होल 6 प्लस 3 COF6 माइनस 3 यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा. CO OX OX मतलब ऑक्सीलेट बच्चों है ना. तो ये जाएगा और इसके दो दो रीजन है. अब भाई एक तो हायर CFSC ड्यू टू बायरेंटेट ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट एंड चिलेशन. यहाँ पे चिलेशन भी है ठीक है. और भाई अब दूसरा देखिए हमारा बच्चा ब्रायन जो है बहुत ही जबरदस्त लड़का है हमारा. ये बता रहा है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल तो इसी की बात सुन लेते हैं. तो पॉजिटिव ओएस ऑफ मेटल
ब्रायन बड़ा शांत सा लगता है, कुछ बोलता नहीं, बस लिखता है ना ब्रायन? यस सर। वेरी, कौन से बैच ब्रांच का है ब्रायन तू? सर अंधेरी एनपीएससी 1। अंधेरी एनपीएससी 1, ओके। तो देखिए साहब भाई, पॉजिटिव वेस ऑफ मेटल अगर ज्यादा होगा तो फिर वही डेल ज्यादा होगा, सीएफएसी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा भाई, और FeCN6 माइनस 4, FeCN6 माइनस 3, तो यहाँ पे ये होगा CO। अभी जब बोल रहे हो शेटा तो मैं बोलता है कि तीन बार दे बे ये बोल रही है दादा, वो तो मैं मिष्टि खाओ बे यस ओके दादा दादा मिष्टि ना है, अरे मिष्टि और केक ये देखो, अभी दादा बोल छी कि तो भाई को मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है और भाई को हटा भी दिया है ना। तो आपको देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आपको क्लास अटेंड नहीं करनी हो तो आप अपना इसी तरह से माइक ऑन करके अपने घर की प्रॉब्लम्स हमें बताइए और हम आपको किक आउट कर देंगे बेटा, है ना, बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ। तो देखिए भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, आपको याद भी होगा इसमें तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन 5s था, इसने तो इसकी तो वैसे ही लगा दी थी, है ना बेटे, जल्दी से देख दीजिए। हाँ Particles, yes? Yes. जी सर। थैंक यू बेटे। तो भाई बच्चों ये हो गया, अब देखिए भाई डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री ये भी एक फैक्टर होगा भाई, हमने देखा भी था ये, मतलब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सी यू ई एन थ्राइस याद है, जेंटलर डिस्टॉर्शन में देखा था, प्लस टू, ये चेलेशन होने के बावजूद बेचारा पिट गया है ना, प्लस टू, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऐसे होती है। और सी यू ई एन ट्वाइस, एन एच थ्री होल ट्वाइस, प्लस टू, और सी यू ई एन ट्वाइस, एन एच थ्री होल ट्वाइस, प्लस टू, सिस और एक ट्रांस, तो सिस कम स्टेबल होता था ड्यू टू डिस्टॉर्शन ज्योमेट्री, मैंने बताया था ना एक्सियल बॉन्ड्स के अराउंड भाई स्ट्रेचिंग हो जाता था बॉन्ड्स का। इसके अलावा एक फैक्टर होता है बल्किनेस अराउंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, और सिंपली बल्किनेस अराउंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भाई बच्चों कमी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में ई एन तो सभी जानते हैं वैसे ये होता है ना, ऐसे ही एक दूसरा लाइगन ले रहा हूँ एन एम ई टू, एन एम ई टू है ना, तो ये बल्किनेस आ गई। तो देखिए सी यू ई एन होल ट्वाइस प्लस टू, और सी यू एल टू होल ट्वाइस प्लस टू ये होगा, या सी आर ई एन होल थ्राइस प्लस थ्री, और सी आर एल थ्री प्लस थ्री बच्चों ये होगा। देखिए भाई हमने स्टेबिलिटी करी, अब हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस और भाई चैप्टर पे खत्म है, बट इसमें देखिए काफी कुछ लिखने का है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिएगा।
हेलो यस चलिए तो बेटे हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस एंड कॉम्प्लेक्सेशन या एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो भी है सम इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस एंड कॉम्प्लेक्सेशन और भाई चैप्टर में थ्योरी खत्म हो गई है अब ये मतलब ये दूसरे चैप्टर्स में भी आएगा वैसे तो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस एंड कॉम्प्लेक्सेशन बट एक बार हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस तो पढ़ने चाहिए साथ में तो देखिए पहला हम देख रहे हैं अपना प्यारा साथी के फोर देखेंगे कि के थ्री देखें चलिए के थ्री देखते हैं के फोर में कॉम्प्लिकेशन है के थ्री एफ ई सी एन सिक्स भाई पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सब जानते हैं पोटेशियम फेरी साइनाइड अब पहले ही बताइए फेरी साइनाइड कौन क्या सॉलिबिलिटी कुछ याद है आपको बेटे देखिए मोस्टली किसी काम के नहीं है इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप वन एंड अमोनियम उसके अलावा बेटे एनायंस के ग्रुप बताए थे तो ये डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा मतलब सॉल्ट्स ऑफ FeCN6-3 विल डिकम्पोज by dilute over conch HCl or dilute over conch H2 dilute से भी होगा conch से भी होगा ठीक है पहले पेज पे इतना लिखूंगा अब इसकी रिएक्शन एक एक करके लिखूंगा पार्टिकल्स ऑल इज वेल जल्दी जल्दी करिएगा डांस सर डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप मतलब क्या हुआ एक्जेक्टली क्या बात है क्या बात है तो बेटे देख एनायंस को ना हम तीन ग्रुप में डिवाइड करा था हमने एक डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप जो डाइल्यूट H2SO4 से डिकम्पोज हो जाते हैं फिर कॉन्क जो कॉन्क से होते हैं इंडिपेंडेंट जो किसी से नहीं होते हैं चलिए तो अब देखिए भाई K3FeCN6 एक एक करके प्रेसिपिटेशन देखते हैं और रिएक्शन भाई पहले तो भाई चलिए FeSO4 के साथ कर लेते हैं कौन सा बनेगा टर्नबुल की प्रेशन टर्नबुल देखिए टर्नबुल क्या होता था फेरस सॉल्ट फेरी कॉम्प्लेक्स टर्नबुल्स ब्लू और कन्वर्टेबल टू प्रशियंस ब्लू ठीक है भाई और इसको अगर FeCl3 के साथ कर दें अब क्या आ गया भाई अब बेसिकली आ गया फेरी फेरी बात समझ रहे हैं और हाँ देखो बच्चा हमारा कितना प्यारा है तो देखिए ब्राउन आएगा FeCN6 ये क्या आ गया ब्राउन आ गया है ना और भाई देखिए कॉपर सल्फेट के साथ बेटे कॉपर सल्फेट के साथ इम्पोर्टेंट है KCU FeCN6 और इसका ग्रीन PPT आता है अच्छा अगर आप देखिएगा इसको हम एक्सेस अमोनियम कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करते हो भाई ये खास सवाल आ गया यार बच्चे साथी तो
देखिए टैलेंट शो मतलब टैलेंट हंट चल रहा है मुझे लग रहा है अभी तो बच्चे मेरे बारे में सोच रहे हैं, देखेंगे इस बारे में जरूर बात करेंगे। एनीवेज कमिंग बैक टू इट, तो आई एम सेइंग KCUFECN6 ग्रीन पीपीटी और एक्सेस अमोनिया के साथ, बेटा ये ब्लूइश सॉल्यूशन इसकी वजह से आ जाती है। और अगर इसको हम एक्सेस Na2S2O3 के साथ करें तो कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वो गंदा सा कॉम्प्लेक्स था 465 का, 4Cu6S2O3 या फिर वो नहीं है, चलो तो इसको छोड़ दो, ये अभी आगे आएगा, ये मैं अभी नहीं बता रहा, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, मैंने अभी दो ही बताए, बट ये कॉपी कर लीजिए भाई। स्टैंड अप कौन करा रहा है यार, बताओ यार, मौका दे रहे हो क्या, कुछ अपॉर्चुनिटी है तो बताओ यार। मैं और सारांश चले जाएंगे, क्यों सारांश, हाँ वही वही श्रेयांश, तो उसमें भी हमारा रोस्ट करोगे, नहीं तुम्हें रोस्ट नहीं करेंगे यार, कोई और पकड़ेंगे यार, क्या बात कर रहे हो, आपने कभी स्टैंड अप, थैंक यू सर, हाँ आपने कभी स्टैंड अप कॉमेडी सीरियसली किया है क्या, करा तो नहीं है लेकिन मैं इनिशियल सोच रहे थे हम करेंगे कभी लेकिन सीरियसली कौन करता है स्टैंड अप, ये बात है सीरियसली करते हैं लोग, नहीं सीरियस मजा नहीं। चलिए बच्चों ये कॉपी हो गया, हाँ सर, यस नोटेड, एक बार सेंटर खोलने दो फिर देखो मजे आएंगे क्लास में, सर खोलते खोलते सिलेबस खत्म होने को आ रहा है, दिक्कत लग रही है बच्चों, तुम लोगों को मिल भी नहीं पाएंगे लग रहा है, नहीं सर हम लोग खोलते खोलते जेईई की समाप्त हो जाएगा, खोलते खोलते जेईई भी खत्म हो जाएगा लग रहा है, मुझे नहीं नहीं मुझे लगता है पता है क्या, मतलब सीरियस नोट पे अगर मैं आऊं तो मतलब सिलेबस का तो पता नहीं कि खत्म होगा कि नहीं, इससे मतलब हो ही जाएगा, उससे पहले तो रिवीजन क्लासेस के लिए ऑनलाइन की मतलब ऑफलाइन भी खुलेगा मुझे लगता है, तो दिस इज माय स्पेकुलेशन व्हिच मे बी डेफिनेटली रॉन्ग, लाइक कोई बात नहीं सर हम ज़ूम पे शक्ल देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं यार, मतलब तुम्हारे रिजल्ट के बाद एक पार्टी रखेंगे अच्छी सी, है ना, ठीक है, हां यस नो प्रॉब्लम, चलिए बेटे वापस आते हैं, फेरिसाइनाइड और इजिनोथ्रीन, देखिए मतलब सिल्वर फेरिसाइनाइड का पीपीटी आता है और ऑरेंज रेड पीपीटी आता है, इसमें अगर अमोनिया एक्सेस हुआ बच्चों तो क्या आएगा, देखिए सिल्वर के सारे पीपीटी अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते थे एक्सेप्ट फ्यू, तो उनमें से ये नहीं है, तो AgNH3 ट्वाइस और FeCN6 भाई माइनस कितना आ गया 3 आ गया, अगर इसको KCN एक्सेस में रखा तो क्या आएगा AgCN2 माइनस और फेरी साइनाइड, राइट, और अगर हमने इसको Na2S2O3 एक्सेस में रखा तो भाई AgS2O3 होल ट्वाइस, बेटे मैं Na3 भी दिखा सकता हूँ उसमें कोई इशू नहीं है, Na+ है तो वो आ जाएगा और फेरी साइनाइड, तो AgNO3 के साथ लिखा K3 एफिशिएंसी का ऑरेंज रेड और अमोनिया KCN तीनों में डिजोल्व होता है, इसके अलावा भाई K3FeCN6 का कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन होता है और H3FeCN6 जैसा बनता है, एंड दिस इज भाई ब्राउनिश पीपीटी, इज इट कॉपीड बच्चों, सर हम लोग K3 की जगह Na3 या फिर ग्रुप 1 का कोई दूसरा एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं,
ये ज्यादा पॉपुलर है कमर्शियली, और कुछ नहीं है बेटा। ओके सर फाइन। बच्चों यस नोटेड यस सर। ठीक है अब देखो इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ बेटे। कोई भी सी एन माइनस सॉल्ट हो और साइनो कॉम्प्लेक्स हो, अगर इसको डाइल्यूट H2SO4 और HCl कैसा भी HCl से करें तो HCN रिलीज होता है, स्मेल्स ऑफ बिटर ऑलमंड्स, मतलब फालतू सी बात है, एक्सट्रीमली पॉइजनस पॉइजनस। और भाई अगर इसको कॉन्क H2SO4 से करें, साइनो सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे CO रिलीज होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब देखिए भाई जैसे K3FeCN6 है भाई, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 भाई, तो मैं डाइल्यूट H2SO4 से प्रोडक्ट लिखूंगा, बाकी अगर HCl है तो KCl आ जाएगा, आप समझ जाएगा। K2 देखिए बेटे प्रोडक्ट लिखना मुश्किल नहीं है बच्चों। देखिए K का हमने सल्फेट बना दिया, आयरन कितना है भाई +3 है, +3 है तो क्या हो गया Fe2SO4 होल थ्राइस, और CN माइनस जो होगा वो रिस्प्लेस हो गया, वो क्या हो गया HCN। बट अब अगर हमने K3FeCN6 और कॉन्क H2SO4 लिया तब तो देखिए भाई जनता भाई K2SO4 इज नॉर्मल, नॉट एन इशू भाई, Fe2SO4 होल थ्राइस बनेगा और HCN जो है ना बच्चों बस वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, CO और अमोनियम भाई सल्फेट आएगा। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात है कि CO आता है इसमें भी थोड़ा, ठीक है। अब मैं CO के एक दो टेस्ट या CO वर्सेस CO2 का डिस्टिंक्शन ही बता दूंगा। पहले ये कॉपी करिए पार्टिकल्स, पार्टिकल सोचिए CO और CO2 का डिस्टिंक्शन क्या होगा, CO CO2 का डिस्टिंक्शन कितने लोग बताएं। लाइम वाटर में पुट करेंगे CO2 को तो वो मिल्की बन जाएगा, CO के साथ नहीं बनेगा। बढ़िया है। और लाइम वाटर वाला बहुत पुराना टेस्ट है बच्चे, मतलब पुराना इन द सेंस बहुत ही छोटी बेसिक है, बेसिक सा है। हां मतलब मैं सोचा तू और कुछ अच्छा बता दे यार। प्लस क्लोराइड से पास करेंगे। वेरी गुड। ये बच्चा कौन था सर? स्मिथ। स्मिथ और कोई नहीं, ये हो गया। यस यस सर। क्या कहते कोई नहीं आ रहा CO वर्सेस CO2 और कोई? देखिए एक तो स्मेल, CO सफोकेटिंग होता है ना, CO2 नहीं होता स्मेल। एक लिटमस टेस्ट भाई, CO इज न्यूट्रल और CO2 इज एसिडिक, तो क्या करेगा भाई ब्लू से रेड कर देगा, ठीक है। एक हमारे बच्चे ने, किसने बताया था विनीत, तूने बताया था ये? क्या नाम है बच्चे का? सुनिश्चित सर। हाँ निश्चित, सॉरी नाम भूल जाता था। लाइम वाटर बेरेटा वाटर टेस्ट बेटे, इसमें क्या होता था कि लाइम वाटर या बेरेटा वाटर दोनों ये होते हैं, CO2 पास करेंगे तो मिल्किनेस, वाइट पीपीटी, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, इसमें एक्सेस CO2 पास करेंगे मिल्किनेस डिसअपीयर्स एंड बेटे ये होता है MHCO3 होल ट्वाइस बनने की वजह से सॉल्युबल है। एम मैंने इसे लिख दिया कि कैल्शियम हो या बेरियम हो दोनों आ जाएंगे, और इसको अगर हीट कर देंगे तो वापस से आ जाएगा। तो ये एक टेस्ट हो गया। और बेटे देखिए मैं ये सोचा था कि आप ये नोटिस कर पाएंगे कि कार्बन इसमें ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। CO इज रिड्यूसिंग एंड भाई रिड्यूसेस MnO4 माइनस ओवर H+ डाइक्रोमेट H+
XO3 minus H plus halogen water by let's say etc. जबकि CO2 is non reducing in nature, ठीक है. और भाई एक बच्चे ने और कुछ बताया था CO का, क्या बता रहा था? पता नहीं क्या था, चलिए कोई बात नहीं. हाँ वो था क्यूपर स्क्वाड, उस पर आऊंगा मैं. तो ब्लैक पीपीडी विद मॉइस्ट भाई PDCl2 बताऊंगा ये क्या है रिएक्शन. और भाई आयोडीन फ्यूम्स विद I2O5 और अब्सॉर्ब बाय अमोनियकल, जरूरी नहीं कि अमोनियकल ही हो, क्यूप्रस क्लोराइड, बेसिकली क्यूप्रस क्लोराइड मेन चीज है. रिएक्शन मैं नेक्स्ट पेज बताता हूँ बेटा. ये CO से CO के टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब टेस्ट ना, कोशिश करिए याद करने की. CO is more dangerous than CO2, no, sir? Of course, CO is more dangerous, but yes, right. Thank you, sir. Okay. Something which is poisonous is more dangerous than something which is non-poisonous? Yes, sir, right. But he with respect to person, hai, matlab, jo marna chah raha hai, uske liye CO is better, matlab, sir. Yes, sir. Incomplete combustion of food. Sorry, in insufficient oxygen. Yes, yes, Sati. आपकी जीत हुई. क्या नाम आपका? Sir, Neil. Neil, यार मारे डाला यार Neil. बच्चों कर लिए कॉपी? Thank you, sir. Yes, sir. देखिए, moist PDCl2 के साथ क्या होता है? मतलब भाई PDCl2 plus CO plus H2O, palladium का black PPT आता है, और plus HCl और CO2. बेटे ये इससे बोलते हैं qualitative estimation of CO, मतलब CO का ये popular test है बहुत, ठीक है. ऐसे ही देखिए एक होता है quantitative estimation of CO. इसमें क्या करते हैं, CO को I2O5 से कराते हैं, तो इससे आता है CO2 और I2, और फिर I2 को टाइट्रेट कराते हैं Na2S2O3 के साथ. तो इसमें क्या होता है भाई, आपको पता ही होगा रिएक्शन, ये विशाल जन ने पढ़ाई है, Na2S4O6 प्लस NaI, यहाँ पे N फैक्टर भाई 1 का आता है, यहाँ पे N फैक्टर भाई 2 का आता है. तो दिस इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मतलब है ना. और भाई जो Cu2Cl2 होता है अब्सॉर्ब्स लुईस बेसिस, मतलब अब्सॉर्ब्स CO, ठीक है. और भी लुईस बेसिस अब्सॉर्ब करता है, अमोनिया अब्सॉर्ब करता है, PH3 करता है, बहुत सारे करता है, CO2 को नहीं करता. लेकिन बच्चों से आई अल्फा Na2H2O3 वाला क्या पॉइंट बताया आपने? बेटे मैंने बताया कि इससे हम I2 कितना रिलीज हुआ ये निकालेंगे, I2 के मतलब मोल कैसे निकालेंगे इससे टाइट्रेट करके. तो इसके मोल पता लग जाएंगे, तो इसके मोल पता लग जाएंगे. गेटिंग इट? यस. बच्चा पार्टी सर, I2 का आपने N फैक्टर 2 लिखा है ना, एंड Na2H2O3 का N फैक्टर 1 ना. क्या बात है, आप तो बहुत जबरदस्त पढ़ते हो, शाबाश. थैंक यू सर.
टेन सर। यस यस चलिए और क्या बता दूं, रिएक्शन बता दूं। देखिए सीओ रिड्यूस कैसे कर रहा था उनको ये बता देता हूँ। वैसे तो बहुत आसान है, सीओ भाई MnO4 माइनस मेरे साथ साथ लिख दीजिएगा यहाँ पे Mn प्लस टू एच टू क्रोम प्लस थ्री यहाँ पे X2 और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे जब जाएगा CO2 इवॉल्व होगा, इसमें CO2 या CO3 माइनस डिपेंड करता है कि कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीडियम क्या है। तो ये हमने CO के टेस्ट लिखे, ठीक है। अब भाई आते हैं इस क्वेश्चन पे कि K3FeCN6 के साथ जब कॉन्क H2SO4 हीट करते हैं तो नो ट्रेसेस ऑफ SO2, बट अगर K4FeCN6 के साथ करते हैं तो वी गेट ट्रेसेस ऑफ SO2, ऐसा क्यों? बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचने वाली चीज है, अब देखते हैं क्या कोई बता सकता है। सो इन K4FeCN6 Fe इज इन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय द कॉन्क H2SO4 2 प्लस 3 वाला एंड द सल्फर गेट्स रिड्यूस्ड टू SO2। बेटे नाम बताइए। हरी। हरी हरी हैज नेल्ड इट, मतलब एकदम हरी ने एकदम सही बताया, तो बस आप कॉपी कर दीजिए फिर मैं हरी ने क्या बताया मैं उसको थोड़ा इक्वेशन में रखता हूँ। वेरी गुड हरी, कीप इट अप। थैंक यू सर। जल्दी मीटिंग में स्पैमर्स है। यस सर। क्या करें, किसी को कोर्स बना देते हैं क्या, वो चैट से कुछ आ रहा है क्या? यस सर, श्रेयस को कोर्स बना दो सर। सर चैट से डिसेबल कर दीजिए, सिंपल। बेस्ट है, बेस्ट। ओह विनय कौन है भैया? एक गाड़ी अच्छा डिस्कुल कर। सर वेटिंग रूम लगा दीजिए। यस, किसको कोर्स बनाऊं बताइए, सरंश रेज रन या जो भी बच्चा कर सकता है। सर मैम आई कैन वॉलंटियर। सरंश को बना दो। वॉलंटियर, रेज योर हैंड, हु कैन वॉलंटियर? मी सर। कृतार्थ है ना, मेरे नाम बोलिए, दो बच्चों के हाथ खड़े हैं। कृतार्थ आर यू देयर? सॉरी सर जस्ट मेक हिम इफ यू वांट। आयुष तू कौन से बैच का है? सर मैं हूँ, मैंने वॉलंटियर किया था। सर आयुष को बता दो। आयुष को बना दूं? चलो भाई बच्चों, आयुष हमारा मॉनिटर है। आयुष पूरे इज्जत और सम्मान के साथ क्या करना बेटे? रक्षा करना है। नहीं रक्षा नहीं करना, लात मार के बाहर निकालना है। ठीक है। रक्षा रक्षा मत कर दो, पूरे इज्जत और सम्मान के साथ लात मार के
लोकल ट्रेन तक छोड़ के आना इनको, ना ठीक है? चलिए भाई हटा दूं? यस सर, यस। अच्छा तो देखिए भाई, हरी ने मतलब कृष्ण का जो आंसर दिया था उसको मुझे एक्सप्लेन करना था, चलिए मैं यहीं पे थोड़ा सा कर सकता हूँ। देखिए हरी नोटिस, एब्सोल्युट, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर H2SO4 कॉम के साथ SO2 आ रहा है कभी भी, तो वो बेटे वो कैसे हो सकता है कि H2SO4 रिड्यूस हो जाए? H2SO4 रिड्यूस हो जाए मतलब कोई और ऑक्सीडाइज हो रहा हो, तो अगर भाई H2SO4 रिड्यूस हो सकता है, इफ इट कैन ऑक्सीडाइज अदर्स, देन ओनली SO2 विल बी ऑब्टेन्ड। एक क्लियर हिंट तो ये है, पहले इस बात को लिख ही लीजिए कि भाई इन रिएक्शन विद कॉन्क H2SO4, इन रिएक्शन ऑफ कॉन्क H2SO4, SO2 can be released only if SO2 can be released only if conk H2SO4 act as oxidizing agent if conk H2SO4 act as oxidizing agent while getting reduced to SO2 itself while getting reduced to SO2 itself. ठीक है, और भाई अब देखिए, देखिए K4FeCN6 में क्या होगा भाई, यहां पर K2SO4 plus FeSO4 plus तुम्हारा भाई CO और अमोनियम सल्फेट आएगा, साथ साथ FeSO4 कॉन्क H2SO4, जैसे कि बच्चे ने कहा भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये Fe2SO4 होल थ्राइस भी बना रहा होगा और SO2 प्लस H2। तो यहाँ पे इसके ट्रेसेस आने का रीजन क्या है कि फेरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, H2SO4 प्रोड्यूस कर रहा है फेरस, जबकि फेरी में ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चों समझता है सबको? Yes, yes. This is difference in action of H2SO4 conk on ferrocyanide and on ferricyanide. तो इसको मैं नोट में भी लिखवा देता हूँ, चलिए लिख लीजिए साहब कि भाई ओके बेटे भाई इन रिएक्शन ऑफ K4FeCN6 एंड conk H2SO4 इन रिएक्शन ऑफ K4FeCN6 and conk H2SO4 ferrous sulfate is oxidized, ferrous sulfate is oxidized to ferric and reduces conk H2SO4 to SO2 reduces conk H2SO4 to SO2 which is not possible for ferric ठीक है। अब बच्चा पार्टी K3FeCN6 में कर लिया हमने काफी, अब आते हैं K4FeCN6 भाई ferrocyanide और फिर भाई मोस्टली इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप वन एंड भाई अमोनियम, ठीक है? और ठीक है, अब देखिए K4Fe
CN6 by dilute HCl or dilute H2SO4. फिर वही बात है, HCN मेरे साथ साथ लिख सकते हैं of bitter almonds और conch H2SO4 CO, ठीक है. और मैं नीचे रिएक्शन लिख रहा हूँ. ये मैंने साइड प्रोडक्ट लिखे हैं इसमें, ठीक है ना. बच्चों जैसे कर लिया ना बच्चों? यस यस सर. ओके बढ़िया. अब देखिए आप रिएक्शंस देखते हैं K4 efficiency की. तो K4 FeCN6 ए सिल्वर नाइट्रेट और Ag4 FeCN6 White PPT. अब अमोनिया एक्सेस, नो डिसोल्यूशन ऑफ पीपीटी. और देखिए मैंने वैसे पहले बता रखा है, मैं फिर भी लिख रहा हूँ. AgI, Ag2S, Ag3P. मैं कैसे याद रखता हूँ? एनायन के चार्ट से कि 1, 2, 3, 4 मतलब -1 का हाई पोलरिटी वाला एनायन और -2 का हाई पोलरिटी वाला है, -3 का फिर -4 का आर इनसॉल्युबल इन अमोनिया. इसके बाद सारे पीपीटी डिसॉल्व हो गए. तो यहाँ पे आएगा KCN अगर कर देंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा. क्या जाएगा? AgCN ट्वाइस माइनस प्लस फेरो साइनाइड. अगर हम Na2S2O3 एक्सेस कर दें तो भी हो जाएगा AgS2O3 होल ट्वाइस -3 एंड प्लस फेरोसाइनाइड, ठीक है. और ठीक है. अब K4FeCN6 प्लस FeSO4, बताइए कलर क्या आएगा? भाई वाइट फेरो वाइट और O2 प्लस H2O KOH प्लस KFe CN6 प्लस 3 प्लस 2 प्रशियन ब्लू PPT, ठीक है. देखिए प्रयत्न करिए.
साथियों और हाथियों जल्दी जल्दी सो लास्ट स्टेप दैट यू हैव रिटन वो एरियल ऑक्सीडेशन ही होगा बेटा मतलब बोला भी आपको कि ऑन कीपिंग इन एयर साथियों कल ही गया ग्रीन आया था यहाँ पे के टू सी यू एफ ई सी एन सिक्स ये प्लस टू है ये भी प्लस टू है ये चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आता है और इस पीपीटी को अमोनिया में रखेंगे तो सी यू एन एच थ्री होल फोर टू प्लस और फेरो साइनाइड अगर इसको बस अभी कुछ नहीं करें ये आ गया कॉपर सल्फेट गया और जिंक क्लोराइड के साथ करेंगे के टू जेड एन एफ ई सी एन सिक्स और ये ब्लूइश वाइट पीपीटी होता है इसको अगर अमोनिया एक्सेस में डालें तो जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिंक एन एच थ्री होल फोर प्लस टू और फेरी साइनाइड ठीक है फेरो पेरोसाइनाइड और अगर इसको हमने भाई अमोनिया के एनएओएच कॉन्क में डालें तो जिंक का हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक होता है तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा जेड एन ओ टू माइनस टू जिंक एट प्लस भाई हमारा फेरोसाइनाइड एज इट इज कर जल्दी से आज किस किस का लेक्चर पढ़ा अभी तक सब्जेक्ट और टीचर बताना ओनली एसीपी सर फिजिक्स एसीपी और फिजिक्स में क्या पढ़ा उन्होंने मैग्नेटिज्म सर टॉपिक मैथ्स में क्या पढ़ा सर मैथ्स सर आई नहीं होगी मान लो आज फर्स्ट लेक्चर नहीं हुआ तबीयत खराब है अच्छा पीएम की तबीयत खराब हो गई हां सर अरे बाप चलो तो मतलब आज तो फ्रेश हो तुम मतलब आज क्या कहते हो मतलब कुछ 10-15-20 मिनट आगे बढ़ा जाए मामला दिवाली के बाद चालू सर चलेगा पढ़ लो यार दिवाली में दो दिन की छुट्टी मिली है दो दिन मस्त आए होंगे भाई हाँ सर टेस्ट है बच्चों ये हो गया हाँ सर चलिए मैं सोच रहा हूँ कॉम्प्लेक्स खत्म कर देते यार मतलब अगर हो सकता है तो और हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स का मैंने पहला लेक्चर डाला था उसमें लेकिन ठीक है चलो तो ये बात इसको कर लीजिए हां थोड़ा थोड़ा बताता हूं देखिए K4FeCN6 प्लस PHO2 थोरियम डाइऑक्साइड बेटा यहां पे थोरियम से कुछ याद आता है क्या कहीं यूज किया थोरियम सो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कहां पर क्या करा था इससे बेटा डिस्टिलेशन हां ड्राई डिस्टिलेशन
बेटे वो थोरियम प्लस टू के होते थे, थोरियम प्लस फोर नहीं होता था। थोरियम डाइऑक्साइड है ना, मतलब डिहाइड्रेशन के काम आता है, इवन सीबी डिहाइड्रेशन करता है। आप चाहे तो लिख लें अलग से कि THO2 ओवरहीट इज यूज्ड फॉर इवन सीबी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और देखिए कैडमियम के साथ ये वाइट पीडी आया, अमोनिया एक्सेस, CDNH3 होल फोर प्लस टू प्लस फेरो साइनाइड और KCN एक्सेस स्पेरो साइनाइड। तो ठीक है, देखिए एक दो कॉम्प्लेक्सेशन और बताऊंगा, करिए जल्दी से कॉपी करिए, ज्यादा से 10 से 15 मिनट और बस है ना, मेक इट फास्ट। एक सेकंड से रुकी। यस सर डन। पार्टिकल्स कर दिया हमने, यस सर। ओके पार्टिकल्स, अब देखिए भाई, अब जो रिएक्शन बता रहा है यार, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछी गई हो, और जेई में भी मल्टीपल टाइम्स पूछी गई, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ा आसान रिएक्शन। कॉम्प्लेक्सेशन विद Na2S2O3। तो देखिए साहब होता क्या है, Na2S2O3.5H2O बहुत ही पॉपुलर कमर्शियल रिएजेंट है, हाइपो बोलते हैं इसको भाई, और इसका हीटिंग इफेक्ट जी में एडवांस में पूछा जा चुका है। वैसे ये कंपाउंड उसमें भी आएगा इस ब्लॉक में, Na2S2O3 बनता है पहले प्लस 5H2O, फर्दर हीट करते हैं तो Na2S5 और Na2S4 बनता है। सॉरी ये क्या हो गया, पेंटा सल्फाइड, और बेटे पेंटा सल्फाइड भाई ये जिगजैग शेप्ड एनायन। और अब देखिए हमें रिएक्शन क्या पढ़नी है, रिएक्शन पहले मैं जनरल रिएक्शन पढ़ता हूँ, सॉल्ट प्लस Na2S2O3, पहले वाइट पीपीटी आता है, वाइट पीपीटी ऑन स्टैंडिंग इन वाटर भाई कन्वर्ट्स टू ब्लैक और डार्क ब्राउन पीपीटी, एंड अगर इसे Na2S2O3 एक्सेस में रखा जाए तो वाटर सोल्युबल कॉम्प्लेक्स, 5 एग्जाम्पल है उसके बाद छोड़ दूंगा। बेटे ये लिख दीजिए,
नोटेड सर चिंता जनार्दन सर हाइपो इज अ कॉमन नेम ऑफ Na2S2O3.5H2O यस चलिए देखिए भाई पहला है विद AgNO3 बट बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है देखिए चार बहुत सिंपल है एक में थोड़ा सा कुछ है क्रंच तो AgNO3 प्लस Na2S2O3 goes to Ag2S2O3 और NaCl और ये white PPT Ag2S2O3 वाटर में Ag2S का ब्लैक PPT और प्लस H2SO4 और अगर इसे Na2S2O3 एक्सेस में डाला तो वी गेट Na3 AgS2O3 twice ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ये हुआ भाई सिल्वर नाइट्रेट के साथ अच्छा इसमें AgNO3 और एनी Ag प्लस PPT कैन बी टेकन मतलब यहाँ पे ये सारे सॉल्युबल सॉल्ट के लिए भी होगा और Ag प्लस सॉल्युबल लिख भी देता हूँ फिर भी और इनसॉल्युबल सॉल्ट ठीक है नेक्स्ट स्लाइड के साथ बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर सर Ag2H2O3 कॉम्प्लेक्स बना है वो आयनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का आयनिक कंपाउंड अच्छा नोटेड एक सेकंड सर यस सर ऐसे ही लेड के साथ लेड नाइट्रेट और लेड एसिटेट सोल्युबल पीबी प्लस टू सॉल्ट एन ए टू एस टू ओ थ्री पीबी एस टू ओ थ्री वाइट वाटर में PBS black or H2SO4 फिर दोबारा कॉम्प्लेक्स सोलबल अब इसमें और कोई लेड का इनसोलबल सॉल्ट नहीं आ सकता ऐसे BiCl3 और Bi plus 3 soluble salt Na2S2O3 twice white water में Bi2S3 और इसमें भाई हमारा जो बिस्मत है इसमें इसका डार्क ब्राउन पीपीटी आता है अब इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि मतलब इसका सस्पेंशन ब्लैक दिखता है और जेई एडवांस में पूछ लिया था कि कितने ब्लैक है तो उसको नहीं लिया था मैंने डार्क ब्राउन ही लिया था ब्लैक नहीं लिया था तो हालांकि मैं लिख देता हूँ ऑलमोस्ट ब्लैक एक्वस सस्पेंशन होता है ठीक है और Bi2S2O3 प्राइस Na2S2O3 एक्सेस
और यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बिस्मत के साथ और लेड, लेड कॉपी कर दीजिए। नोटेड सर। वेट सर, यस सर, डन डन है। तो बच्चों इतना ही करते हैं, जैसे थोड़ा सा बचा है अभी, देखिए अभी भी 15-20 मिनट का कोऑर्डिनेशन बचा है, तो नेक्स्ट क्लास में पूरा कर देंगे। और उसके बाद भाई तुम्हारा हाइड्रोजन एनर्ट्स कंपाउंड चालू करेंगे। बच्चों बुकलेट अटेम्प्ट करिए, मतलब पूरी बुकलेट आप कर सकते हैं, और बुकलेट के अलावा भाई अंकित अग्रवाल करके मैंने बताया था किताब है प्रैक्टिस करने के लिए, तो बट उसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, तो अगर आपको टाइम का थोड़ा क्रंच हो रहा है कि भाई आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं ट्रायड्स एंड ऑल, तो व्हाट यू कैन डू इज कि कम से कम सिलेक्टेड कर दीजिए उसमें से, जैसे मतलब हाइब्रिडेशन के कम से कम कर दीजिए एक सेक्शन, आइसोमेरिज्म का कर दीजिए, ऐसा करके आप समझ रहे हैं। प्रैक्टिस करिए बच्चों, प्रैक्टिस के बिना सब कुछ बेकार है साथियों। तो बुकलेट पहले करें कि वो भाई पहले बुकलेट हर चैप्टर के लिए पहले बुकलेट कर दीजिए, फिर अंकित अग्रवाल कर दीजिए। जो हमने करा है वो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमने करा है। अब आपको जेडी ली में लगभग सब कुछ वही है जो जेई सिलेबस में है, इस चैप्टर में लगभग सब कुछ, सारा नहीं, तो जो मतलब टॉपिक मैच हो जाए वो पढ़ लीजिए जेडी ली से अगर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चो, तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं साथियों। हेलो सर। यस बेटे। सर एक डाउट था, वी रोट दैट बल्किनेस एज अ प्रॉपर्टी इन टुडेज क्लास द फैक्टर्स, बट हमने वो डिपेंड करता है मेटल के मेटल पर भी ना, क्योंकि हमने क्लास कुछ एग्जांपल किए थे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में, जिनमें लाइक कौन था वो बताओ तो। सॉरी सर, किसके साथ करते थे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर वाले एग्जांपल, किसके साथ किए थे बताओ? प्लैटिनम वाला भी है मान लो बड़ा साइज है, तो बल्किनेस आएगी तो उसमें भी तो स्टेबिलिटी कम ही होगी, बढ़ेगी तो नहीं उसमें भी। हाँ स्टेबिलिटी कम होगी, बट वी प्रेफर द बल्की, आई मीन द हिंडर्ड स्ट्रक्चर ज्यादा ना। मिक्स कर रहे हो बेटा, मिक्स कर रहे हो तुम, मतलब हम वहां पे कह रहे थे कि पीपीएचसी के साथ स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, तो अब वो दोनों स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे, लेकिन स्टेबिलिटी बल्की वाले की ही कम होगी। ओके हां ठीक है, समझा। समझ रहे हो बेटा? हां ओके थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? ब्रायन सर। ब्रायन, अरे साथी ब्रायन, ठीक है। सर मुझे एक डाउट था आज के लेक्चर सर। बोलो भाई, क्या नाम था? देवेश। हां सर। हां देवेश सर, आपने एक लापोर्टेज रूल में जब एमएलसीटी करा रहे थे, एमएलसीटी से पहले कराया था? हाँ बोल, एलएमसीटी से पहले। हाँ सर, वो एमएलसीटी में मैं एग्जैक्टली समझा नहीं कलर दिखेगा कैसे है। बेटे मेटल से लाइगेंड की तरफ जा रहे इलेक्ट्रॉन, उसके लिए विजिबल का कंपोनेंट अब्सॉर्ब हो जाएगा, अच्छे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कलर आ जाएगा साथ। पर सर वो तो बॉन्डिंग में ही जा रहे ना, मतलब मतलब जैसे कि वो बॉन्ड ही बना रहा है ना, तो उसमें लाइट का कंपोनेंट उसको अब्सॉर्ब क्यों करना पड़ा भाई? लाइगेंड अगर मेटल से डिस्टॉर्ट हो रहा होगा तो ऐसे में क्या होगा, मतलब भाई कहाँ गया है, क्या गिरा है लाइगेंड? हाँ सॉरी, तो लाइगेंड अगर मेटल से भाई डिस्टॉर्ट हो रहा होगा, तो लाइगेंड से मेटल की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा होगा, उसके लिए कंपोनेंट अब्सॉर्ब होगा और कलर आ जाएगा, ऐसा हमने कहा है। साथी मेरे साथी, मतलब वो ये कलर भी दिखा रहा है, बॉन्ड भी बना रहा है। हाँ मतलब चार्ज ट्रांसफर हो ही रहा है वो अलग चीज है, बट उसके लिए अगर विजिबल का कंपोनेंट अब्सॉर्ब हो गया तो उसकी वजह से कलर आ जा रहा है। ओके सर, और एक और था, वो डीडी ट्रांजिशन में
आपने लिखा था कि टेट्राहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में जनरली कलर ऑफ रहेगा, तो टेट्राहेड्रल में हम वो नहीं बोलेंगे क्या सेंट्रोसिमेट्रिक सिस्टम? भाई मेरे क्या देवेश, टेट्राहेड्रल में सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती बच्चे, टेट्राहेड्रल डजंट हैव लाइक हैव एनी कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इस बात को। अच्छा ओके ओके हां सर समझ गया, हां ठीक है भाई। बच्चों क्या कहते हैं? थैंक यू सर, आज के लिए इतने करें। सर मुझे एक डाउट था। बोलो भाई। सर कलर ऑफ कंपाउंड के रिगार्डिंग, मतलब जनरली डाउट था कि आपने बोला कि अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से होता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर विजिबल वेवलेंथ अब्सॉर्ब किया तो फिर वो कलर दिखाता है, बट सर एक्चुअली जो हम कलर ऑब्जर्व करते हैं वो तो वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है इसलिए हम उसे देख पाते हैं। भाई मेरे भाई देख, सात है कंपोनेंट, ठीक है? यस। एक अब्सॉर्ब हो गया तो बाकी छह क्या हो गए? रिफ्लेक्ट हो गए। वो रिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक अब्सॉर्ब हो रहा है, अगर कोई अब्सॉर्ब नहीं होगा तो सारे एसडीज आ जाएंगे। ओके सर, तो मतलब बाकी जो छह हैं उनका मिक्सचर हमें दिखाई देता है। हाँ? बाकी जो छह रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यस यस बिल्कुल, उनका छह का मिक्सचर हमें, छह जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनका कलेक्टिवली कलर आता है बेटा। ये बात मैंने वैसे लिखवाई भी है लेकिन कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो मैं आपको रिवाइज करता हूं। ठीक है बच्चे? ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सो मच। ओके सर, विल द ब्राउन रिंग बी स्टेबल, मतलब वो स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बेटा क्या होता है कि मतलब लेस स्टेबल होता है, बनता है जब हम टेस्ट करते हैं बनता है, लेकिन अगर इवन टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा शेक करते तो भी वो डिकम्पोज हो जाता है, तो इसीलिए बहुत केयरफुली करना पड़ता है वो टेस्ट, मतलब है ना। तो मतलब बनता है बट वो लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है, चेंज हो जाएगा, ऐसा है ना। स्टिल टेस्ट तो उसे आइसोलेट भी करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाईली अनस्टेबल है। So that will be due to low oxidation state and distortion or mainly due to unusual oxidation state of iron, iron plus 1 में बहुत कम stable होगा क्योंकि उसके favorable oxidation states plus 2 और plus 3 है, तो तुरंत oxidize होने की कोशिश करेगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सेवा समाप्त भाई। Thank you, next class में आगे बढ़ते हैं।